हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन सा व्यापार करें जिससे इनको लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगावे या ना लगावे, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी लगाना आपके लिए हितकर होगा या नहीं, रुका हुआ धन मिलेगा या नहीं, इसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, महिला मित्रों से सहयोग मिलेगा या असहयोग मिलेगा भी बताएंगे, सरकार से क्या लाभ होगा, सारी बातें हम आज हम आपको बताएंगे। प्रॉपर्टीज की क्या स्थिति रहेगी और माता पिता का कैसा सुख रहेगा, विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, राजनीति में क्या लाभ होगा, अगर आप प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। घर इत्यादि कैसा रहेगा आपका और निर्माण कार्य में क्या स्थिति रहेगी, सारी बात आज आपको बताएंगे। और आपने हेल्थ पर कैसे अलर्ट रहे इसके भी बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उपाय कैसे करें कि जिससे आपकी लाइफ चैनलाइज हो जाए, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ये सारी बातें हम आपको आज बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन माइंस में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धन धान की स्थिति आपकी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, आत्मविश्वास में आत्मबल में वृद्धि होगी। यदि आप कंस्ट्रक्शन में माइंस में इंडस्ट्री में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नए स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आयात निर्यात के क्षेत्र में अगर आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपका अच्छा, कालखंड आपका बेहतरीन रहेगा। तो देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन नौकरी के लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। रोग और शत्रु को हल्के में न लें, उनसे सावधानी बरतें और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं और पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कहीं प्रवेश करना चाहते हैं, हायर लेवल पर कहीं एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है और विदेश से आपको काफी लाभ मिलते हुए दिख रहा है। माली हालत आपकी अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, परिवार में थोड़ा सा भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है और कोई आज आपको डिच कर सकता है, उससे बचना है। महिला मित्र के सहयोग से आपको काफी आगे बढ़ना है। शेयर से इंडस्ट्री से ट्रेडिंग से आज आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो समय आपके अनुकूल है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा और रोग और शत्रु आपके जो भी रोग और शत्रु होंगे वो आपका कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आप उनके ऊपर प्रभावी रहेंगे। और कोई भी नया कार्य करते हैं तो जो आपके गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनके बगैर सलाह के कोई कार्य न करें और सेकेंड थर्ड पॉइंट ओपिनियन लेके ही कार्य करें। यदि आप इंडस्ट्री बिजनेस में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन है। भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य से सारे कार्य आपके अनुकूल होने की संभावना दिख रही है, तो ढेर सारे कार्य एक साथ होने की संभावना बन रही है। माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, बच्चे अच्छा करेंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आप गुस्सा ना करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। उपाय क्या करना है, उपाय में भगवान शनिदेव की आराधना करें, चिड़ियों को दाना खिलावें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह श्री शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। सरसों का तेल मंदिर में दान करें, चूंकि शनि की साढ़े साती भी चल रही है जिस पर भी अगर आप करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।